आज जो पहले बनाया हुआ पायदान है इसको और बड़े आकार में मैं आपको बना करके बताऊंगी। देखिए जो ये पायदान बना हुआ है, देखिए देखने में कितना खूबसूरत है। इसको और बड़े आकार में मैं आपको आज बना करके बताऊंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और चुन्नी से 1-1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलाई सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए अब इस तरह से क्रॉस कराते हुए पट्टी को हमें फंदा डालना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ध्यान रखना है कि फंदे हमें 2 के जोड़े से ही लेने हैं। तो जैसे मैंने ये पायदान बनाया है इसको मैंने आपको 18 फंदे से बना करके बताया था, अब मैं आपको ये 30 फंदे से बना करके बता रही हूँ। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। ऐसे 30 फंदे में इसमें बना लेती हूँ। देखिए 30 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब अभी हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से फंदा डालना इस वजह से बताती हूँ कि जिसको फंदा डालना नहीं आता, जो नया नया अभी पायदान बना रहा है वो भी इसको आसानी से फंदा डाल सकते हैं। सिर्फ पहली सिलाई आराम से बनानी होती है, फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिए हैं। वैसे ही हमें सीधे साइड से भी फंदे को उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अभी ना कोई फंदा छोड़ना है, ना घटाना है, बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाना है दोनों साइड से। देखिए जैसे दोनों साइड से एक एक रो बनी है उल्टे की, ऐसे एक एक और बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए लास्ट का फंदा इधर से नहीं बुनेंगे, उस साइड से बुनेंगे। तो पट्टी को पीछे कर दिया, इसको उतार लिया। देखिए दोनों साइड से दो दो लाइन हमने उल्टे की बना ली है। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये डिजाइन हमें ऊपर साइड से बनाना है, नीचे की साइड से नहीं। तो देखिए इस पट्टी को इस तरह से लगाएंगे, इसका किनारा जो है इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि फिर पट्टी हमने कहाँ से जोड़ी है। ये देखिए इस तरह से इसको रोल कर लेंगे, 2 फंदा बुन लिया, यहीं से पलट जाएंगे। एक फंदा बुना, पट्टी को पीछे कर दिया, इस फंदे को उतार लिया, इस फंदे को एक साइड से बुनते हैं। देखिए पहले 2 फंदा बुना था, अब 2 फंदा और ले लेंगे। देखिए तो ये 4 फंदा हो गया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। हर बार नीचे के साइड को 2-2 फंदा लेते जाएंगे। लास्ट का फंदा सीधे साइड से उतार लेंगे और उल्टे साइड से इसको बुनेंगे। देखिए अब 4 फंदा हो गया, तो अब इस पट्टी को भी लगा लेंगे। दो फंदा हमने इससे बना लिया, इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे। दो फंदा अब यहाँ नीचे से और ले लेंगे। 3, 4 और यहीं से पलट जाएंगे। हर बार हमें 2-2 फंदा नीचे से लेते जाने हैं।
सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को लेंगे, देखिए पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को उतार दिया। ये देखिए पहला फंदा एक साइड से उतारते हैं, एक साइड से बनाते हैं, तो इस तरह से चेन सा बनता जाता है जिससे किनारी बहुत सी प्यारी बन करके आती है। एक दो, अब दो फंदा ये और बना लेंगे, तीन चार, ये चार का चार फंदा रहेगा। अब ये फंदा बढ़ता जाएगा, देखिए एक दो, दो फंदा ये ऊपर से कम हुआ तो ये दो फंदा नीचे से बढ़ जाएगा, तीन चार। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये चार का चार फंदा रहेगा, ये फंदा बढ़ता जाएगा। सीधे साइड से कुछ नहीं करना, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से ही बनाना है फ्रेंड्स। देखिए एक दो तीन चार, अब नीचे से ये दो फंदा और बना लेंगे, यहाँ से दो फंदे ये ले लेंगे, पाँच छः, अब ये दो फंदा बचा, देखिए एक दो, अब नीचे से ये दो फंदा और बना लेंगे तो ये वापस चार फंदा ही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ऐसे बनाओगे तो आपकी डिजाइन बहुत अच्छी बनेगी, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे कलर की पट्टी को हमने लगाया सिर्फ यहाँ पे दो फंदा होता है जब पहले बार लगाते हैं पहले सिलाई, फिर उसके बाद ये चार चार फंदा बनता जाता है। अगर चार चार फंदा ऐसे रखोगे तो आपकी डिजाइन खराब नहीं होगी। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी पायदान बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दो तीन चार पाँच छः, अब दो फंदा ये नीचे से बन जाएगा, सात आठ, ये हर बार दो दो फंदा बढ़ता जाएगा, ये जो है हर बार बढ़ता जाएगा, ये चार का चार ही रहेगा। दो, अब दो नीचे से बना लेंगे तो चार हो जाएगा, तीन चार, यहीं से पलट जाएंगे। एक बार और देख लेना फ्रेंड्स, ये देखिए पहला जो फंदा उतारा था उसको बना लेंगे, ये दो फंदा हरे कलर से बना लेंगे, देखिए अब दो फंदा बच गया। अब क्या करेंगे, एक दो बचा, दो ये नीचे से ले लेंगे, फिर वापस यहाँ पे देखिए चार फंदा हो गया।
और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए इसको बनाना कितना आसान है, हर बार नीचे से हमें दो दो फंदा लेते जाना है। देखिए पीले कलर से यहाँ से नीचे से दो फंदा लेंगे, तो ये हरे कलर से पीले का दो फंदा हरे कलर से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक बनाते हैं, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए दो दो करके हमने नीचे सभी फंदे ले लिए, लास्ट में ये सिर्फ दो फंदा बचा हुआ है। तो देखिए इसको भी ले लेते हैं। पीले का ये दो हरे से बना लेंगे। देखिए और पीले का ये हरा जो है वो पीला बना लेंगे। तो देखिए शुरू से हमने सिर्फ पहली बार यहाँ दो फंदा बना था, बाकी ये पीले का चार चार फंदा बनता है। देखिए लास्ट तक ये चार फंदा ही बना है। अब उल्टे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। पहले इसको बना लेती हूँ। देखिए डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स ये आधी कली बन गई है। देखिए आधी कली बन करके तैयार हो गई है। अब आगे क्या करना है वो देखना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, अलग है। अभी ऊपर से कुछ नहीं करना है। ये फंदा हमने सीधे साइड से उतारा था तो इस साइड से बुन लिया। देखिए दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस फंदे हमने बना लिए। अब ये देखिए क्या करना है। अभी तक हमने क्या किया था, नीचे से दो दो फंदा लिया था, इधर से नीचे को आए थे। अब इसका उल्टा करना है। अब हम जैसे जैसे हम नीचे को आए थे वैसे वैसे हमें ऊपर को जाना है। पहले दो दो फंदा नीचे से हमने लिया था, अब नीचे से हमें दो दो फंदा छोड़ते जाना है। तो अब ये देखिए ये दो हरा पीले कलर से बना लेंगे। एक दो तीन चार, पहले क्या कर रहे थे, इस पीले को हरे कलर से ऊपर से बना रहे थे, नीचे से दो हरा पीले कलर से बना रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, ये जो हरा है दो दो हरा पीले कलर से बनाते जाना है ऊपर साइड से, और नीचे से दो दो फंदा हमें छोड़ते जाना है। पहले तो हम लेते जा रहे थे, अब हमें नीचे से दो दो फंदा छोड़ते जाना है। देखिए दो फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिए हैं। फिर देखिए ऊपर से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को बनाते जाएंगे। अब ये ऊपर से दो फंदा हरा पीले कलर से बना लेंगे। देखिए एक दो और दो फंदा इसमें से बना लेंगे, तीन चार। अब यहाँ से दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए तो जैसे इधर से जा रहे थे तो ये पीले कलर का फंदा चार का चार था, वैसे ही अब देखिए ऊपर को जब बना रहे हैं तो ये चार का चार ही फंदा है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। कम या ज़्यादा ये फंदा होगा, ये पीले कलर का फंदा जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ बनाकर।
देखिए अब ये दो फंदा हरा है, इसको पीले कलर से बना लेंगे। हर बार ऊपर से दो दो फंदा हमें लेते जाना है, दो तीन चार, और नीचे से दो फंदा छोड़ देना है और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से दो दो करते हुए सीधे साइड से कुछ नहीं करना, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। तो इसी तरह से नीचे से दो दो फंदा छोड़ते जाएंगे, ऊपर से दो दो फंदा लेते जाएंगे, यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो करके हमने ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह बार फंदा छोड़ दिया है। अब ये हरे कलर की जो पट्टी से हम यहाँ पे बना रहे थे, अब ये पूरा ख़त्म हो गया है। जैसे यहाँ पे हमने शुरू किया था तो दो पीले से, फिर दो फंदा शुरू में पहले पीले से बनाया था, फिर उसके बाद चार फंदा बनाया, फिर ये हरे कलर की पट्टी को शुरू किया। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, जब ये चार फंदा रह गया है तो यहाँ हरे कलर की पट्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब ये देखिए क्या करना है, बाकी सभी फंदों को हमने दो दो करके छोड़ दिया है, अब इनको भी हमें छोड़ना है। तो देखिए अब सीधे साइड से इन चारों फंदों को बना लेंगे। देखिए अब ये दो फंदा है, इसको भी छोड़ देंगे। ये देखिए एक दो फंदा हमने बना लिया, अब इस दो फंदे को छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अभी लास्ट में दो फंदा बचा है, जैसे हमने यहाँ दो फंदे से शुरू किया था वैसे ही अब ये देखिए लास्ट में दो फंदा बचा है। तो ये कली बन करके तैयार हो गई। देखिए अब ये पूरा बन जाने के बाद फिर ये हरे कलर की जो ये दो रो है इसको बनाएंगे। यहाँ से ये हरे कलर की पट्टी लगा लेंगे, इससे सभी फंदों को बना लेंगे। यहाँ तक दो दो करके जितने भी फंदे छोड़े हैं सभी को इस कलर से बना लोगे। देखिए लास्ट तक सभी फंदों को हमने अंत तक बना लिया है। अब इधर साइड से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। जैसे ये उल्टे की दो रो बनी है, ऐसे यहाँ पे भी दो रो बना लेंगे। देखिए जैसे इसमें भी बना हुआ है, जब ये पूरा हो जाता है तो फिर उल्टी की दो रो बना लेते हैं, फिर ये दूसरी कली बनाना शुरू करते हैं। तो अब ये इसकी दो रो बना लेते हैं उल्टी की, फिर आगे आपको बताएंगे। ये देखिए उल्टी की दो रो बन गई है, अब यहाँ से दूसरी कली बनाना आपको मैं बताऊँगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पर शुरू किया था वैसे ही बनाएंगे। देखिए पहले दो फंदे पीले के बना लेंगे, ये देखिए फिर वापस यहीं से पलट जाएंगे, सिर्फ दो फंदे ही बनाएंगे। ये देखिए पट्टी पीछे कर देंगे, क्योंकि इस फंदे को एक साइड से बना रहे हैं। एक साइड से बनाते हैं तो देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, ये चेन सा बनता जाता है। तो इस वजह से इसको एक साइड से बुनते हैं, एक साइड से उतारते हैं। देखिए इस साइड से मैंने उतार लिया और इस साइड से बना लेंगे। ये दो फंदे हो गए, अब दो फंदा यहाँ से और ले लेंगे। देखिए एक दो, तो अब ये चार फंदे हो गए, यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से अभी हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए जब ये चार फंदे हो जाते हैं, यहाँ पे ये चार फंदे हो जाएंगे जब ये हरे कलर की पट्टी को लगाएंगे। देखिए एक दो, दो फंदा है इससे हमने बना लिया। अब ये देखिए ये पीले का चार फंदा ही रहेगा। देखिए एक दो, दो फंदा, अब ये दो नीचे से बना लेंगे तो ये चार फंदा हो जाएगा। ऊपर से ये दो फंदा कम होगा तो नीचे से ये दो फंदा बढ़ जाएगा, तो ये चार का चार ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा।
डिजाइन को हमें उल्टे साइड से ही बनाना है, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। जो फंदा जिस कलर की पट्टी से, उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। तो देखिए जैसे ये कली हमने बनाई थी वैसे ही ये भी बनती जाएगी। इसी तरह से इसमें 6 कली बनती है, जैसा कि मैंने ये बना के आपको पहले दिखाया। ये देखिए ये 6 कली का हमने बनाया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे ही ये भी बन जाएगा। देखिए आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।